आप लोग आए यहाँ पे। हाँ एक्चुअली जो आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस हमने रखनी थी उसका मेन मुद्दा एक ही है कि गुजर महापंचायत जिस तरीके के साथ हमारे साथियों ने कश्मीर के अंदर महापंचायत का आगाज़ किया और वहाँ पे गुजरों के जितने इश्यूज थे उनको डिस्कस किया गया, उसी पे उसी तर्ज के ऊपर हम लोग जम्मू के अंदर महापंचायत करने जा रहे हैं, उसी के डेट के अनाउंसमेंट के रिगार्डिंग हमने आप सब लोगों को आज बुलाया ताकि आप लोगों के माध्यम से हम अपनी पूरी की पूरी बरादरी, गुजर बरादरी, पूरी कम्युनिटी को हम पैगाम जो है वो दे सकें, क्योंकि आज सोशल मीडिया के ज़रिए ही आसानी से पैगाम देना ज़रूरी है और आसान भी है। तो डेट जो अनाउंस हम लोग सब लोगों ने आपसी सहमति के साथ डेट अनाउंस की है 3 दिसंबर की, 3 दिसंबर दिन एतवार संडे, और वेन्यू हमारा रहेगा रेलवे जो मस्जिद है बिल्कुल उसके साथ में जेडीए की ग्राउंड है वहाँ पे वो हमारा वेन्यू रहेगा। गुजरों के ऊपर हर कोई सियासत करने को तैयार रहता है, हमेशा तैयार रहता है, और सियासत इनके साथ शुरू से होती गई, बट गुजरों को फ़ायदा जो देना चाहिए था वो फ़ायदा उनको नहीं मिल सका। उन्हीं इश्यूज़ के ऊपर हम लोग उस दिन पूरी की पूरी बरादरी डिस्कस करेंगे, और जो हमारा सबसे बड़ा इशू आज की तारीख में है, जो लोग डिज़र्विंग नहीं है उन लोगों को एसटी का दर्जा देने जा रही है सरकार की तरफ से, ऐसा दावा किया जा रहा है। हम ये कहते हैं कि एक दफ़ा आप उनका सर्वे कीजिए और एक दफ़ा जो गुजर हैं इनका सर्वे कीजिए। आज गुजरों ने कहीं पे भी अपने आप को उस काबिल नहीं बना सके, अभी ये कामयाबी की तरफ बढ़ रहे थे, ये कम्युनिटी के अंदर एक कंपटीशन के अंदर आ रहे थे, जिसमें से हमारे कुछ लोग जो है एज एन ऑफिसर अच्छे ऑफिसर लगे हैं, बकरवाल कम्युनिटी के लगे हैं, गुजर कम्युनिटी के लगे हैं, बट वो चीज़ मुझे लगता है कि इनसे बर्दाश्त नहीं हुई है। अगर इसी तरह से सरकार हमारे साथ करती रहेगी तो ये कभी भी बर्दाश्त नहीं होगा। और 3 तारीख को मैं पूरी की पूरी कौम, जितने भी अपनी कम्युनिटी के लोग हैं वो किसी भी पार्टी के हों, किसी भी पार्टी के, क्योंकि ये एक नॉन पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन है, और गुजर जो है अगर इसकी बात अगर नहीं सुनी जाएगी तो गुजर इसका फैसला खुद करेगा, और गुजर अपना हक लेना जानता है, क्योंकि गुजर जो है ये जम्मू कश्मीर के अंदर सरकार की आँख है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की अगर आंखें कहा जाता है तो वो गुजर को कहा जाता है। गुजर एक नेशनलिस्ट कम्युनिटी है, कभी भी देश के खिलाफ नहीं गई है, बट मुझे लगता है कि जो हालात ये पैदा कर रहे हैं, ये खुद चाहते हैं कि पूरी की पूरी रियासत के अंदर, स्टेट के अंदर हालात खराब किए जाएं और गुजरों को सड़क पे आने पे मजबूर किया जाए, और ये दबी कुचली कौम है, अगर इसके साथ और जुल्म करोगे तो मुझे नहीं लगता कि हमारा एक बच्चा भी जो है वो घर के अंदर बैठेगा। और इन्हीं चीज़ों पे हम लोग जो है अपनी डिस्कशन उस दिन 3 दिसंबर बरोज़ एतवार संडे का दिन है, और वेन्यू रेलवे स्टेशन मस्जिद के नज़दीक में जेडी के जो ग्राउंड है वहाँ पे रखा गया है, और मैं पूरी की पूरी कम्युनिटी को, नौजवान साथियों को, अपनी बहनों को, अपने बुज़ुर्गों को, सबको एक बार फिर दोबारा से ये दावत देता हूँ कि 3 दिसंबर को वहाँ पे आएँ और बढ़ चढ़ कर गुजर महापंचायत जो है उसे कामयाब करें।